कुछ गोपियां तो उनको गलबहने लगा दिए, किसने उनकी हैं उनके हाथ पकड़ लिए, लेकिन कुछ जो गोपियां थी ना वो दूर से खड़ी होकर देख रही थी, वो पास में नहीं आ रही थी। लेकिन एक गोपी वहां पर थी जो एकदम फटक नहीं रही थी, दूर से खड़ी होकर के बोले एका भुकुट माभा प्रेम संप्रत भी आला। एक जो गोपी थी ना वो दूर में खड़ी होकर के से, जैसे किसको पर क्रोध होकर ना तर्ज हम भ्रुकुटी करते हुए टेढ़ी नयन से देखते ही वो उनको कृष्ण को तरफ में ऐसे कर देख रहे थे। बोले तुम वही काले हो जिसने बंसुरी बजा करके हमें बुलाया, हमने घर बार सब छोड़ करके आए हैं और बोलता था तुमको जितने प्यार करते और उतना किसको प्यार नहीं करते हैं, तो मेरी हाँ तुम चंद्र में चक्कर हो हैं इसलिए, और अभी तुमने सब छोड़ कर चले गए हैं। वो बड़ी टेढ़ी भ्रुकुटी करके ऐसे खड़ी होकर देख रही थी। लेकिन कहते भैया ये कौन कौन थी है, ये लोग कौन कौन थे? बोले वहां पर तीन तरह का सखिया थी। कितने तरह का? तीन तरह, एक स्वपक्ष, एक विपक्ष और एक तटस्थ। कहते यहाँ पर कहते जो विपक्ष गोपियां हैं ये चंद्रावली दल है जो केवल कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं, कृष्ण का सुख में सुखी, कृष्ण दुख में दुखी है। कहते ये कौन है? कहते ये सबके सब विपक्ष जो कृष्ण का चरण पकड़े, उनके हाथ पकड़े, तांबुल मांग रही थी, गलबहनिया दे रही थी, ये चंद्रावली दल है। कद जो दूर से खड़ी होकर जो देख रही थी, कद ये सबके सब ललिता विशाखा चंपकलता चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी ये सबके सब अष्ट सखियां हैं, ये सब कृष्ण के यद्यपि राधा कृष्ण दोनों को प्रेम करते हैं लेकिन थोड़ी सी राधा जी की चरण में झुके हुए, ज्यादा प्रेम करने वाले। लेकिन जो दूर में एक खड़ी होकर के बड़ी भौंया टेढ़ी करके खड़ी होकर कृष्ण को जैसे तरह चित्तवन से देख रही थी, लेकिन कृष्ण का नजर कहां पर था? कृष्ण का नजर वो जो अकेली गोपी वहां पर बड़े टेढ़ी नजर से देख रही थी, कृष्ण और किसी को तरफ में नहीं देख रहे थे, केवल उसको तरफ में देख रही थी। और जो ललिता विशाखा सखिया ना इसकी सौभाग्य को देख रहे थे, बोले देखो भले ही कोई हाथ पकड़े कोई पाम पकड़े कोई ताबुल मांगे लेकिन देखो देखो तो सही गोपीनाथ जी किसको चरण किसको तरफ में गोपीनाथ देख रहे हैं, बोला हमारी श्री किशोर जी की तरफ में, केवल श्री राधा रानी की तरफ में देख रही हैं, कृष्ण का नजर और कहीं नहीं। मतलब क्या? कृष्ण राधा जी को जितने प्रेम करते हैं और प्रेम उतना किसी किसको करते नहीं, इसलिए वृंदावन में जाओ किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। और जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। इसलिए वृंदावन में सब श्री राधा रानी का सबके सब राधा रानी का नाम लेते हैं, हैं? राधा रानी का नाम लेते हैं। इसलिए यहाँ पर इसलिए फिर गोपियों ने किया कि गोपियों ने अपना चुंदरी को निकाला, अपना चुंदरियों को उतार करके उन्होंने एक को बड़ा सुंदर आसन बनाया और आसन बना करके उन्होंने क्या किया, जो गोपीनाथ जी बैठे है ना, गोपीनाथ जी कहाँ बैठे? बोले गोपियों की चुंदरी के ऊपर। बोले ये गोपीनाथ कौन है, गोपीनाथ कौन है? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण देव भवंतं वंदे, कृष्ण देव भवंतं वंदे मन
श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, ये कृष्ण कौन है? बोले यद्यपि बोलो समाधिसु विधिरपि पश्यति नतव नथाग्रमर्चि। ब्रह्मा जी हैं, यद्यपि समाधिसु ब्रह्मा जी कितने कठोर तपस्या करके, बोले ठाकुर जी के चरण की नख की जो छटा है उसको भी दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यान। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी। हाँ, बोले जिनकी चरण को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जिनकी चरण की सेवा करते हैं, जिनको दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज वो जो है आज वो भगवान जो कृष्ण है हैं, कहते हैं इसलिए कहते हाँ वायु रथा भी मनस मन पुंगवानम। इसलिए जब ब्रह्मा क्या श्लोक याद नहीं आ रहा, इसलिए कहते जिनको प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन आज वो गोपीनाथ जी कहाँ बैठे हैं? गोपीनाथ जी कहाँ बैठे हैं? बोले गोपीनाथ जी गोपियों की चुंदरी की जो आसन है, चुंदरी का जो आसन को ऊपर बैठे हुए, मतलब क्या है? ये गोपियों की प्रेम में संपूर्ण कृष्ण बसीभूत है, संपूर्ण रूप में बसीभूत है उनकी चरण में उनकी सेवा में। इसलिए जो गोपीनाथ बैठे हैं क्यों, इसलिए गुरुदेव कहते हैं इसलिए गोपीनाथ जी यहाँ पर गोपियों की प्रेम में संपूर्ण बसीभूत होकर गोपीनाथ जी यहाँ बैठे हैं। ब्रसी तोटा गोपी नाथ की, ब्रसी गदाधर पंडित की। इसलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? तोटा गोपीनाथ। मतलब क्या होता है? मतलब तोटा मतलब होता है हमारी हिंदी भाषा में जो तोटा कहते हैं, जहाँ पर सुंदर आम का वृक्ष हो, जहाँ पर सुंदर कटहल के वृक्ष हो, जहाँ पर सुंदर नारियल का वृक्ष हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर है बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर, जहाँ पर सुंदर फूलों के वृक्ष जहाँ पर हो है, जहाँ पर चीकू बड़े सुंदर अंगूर, जहाँ पर सुंदर सुंदर फल हो, इसलिए हमारी उड़ीसा में इसको कहते हैं तोटा है, तोटा। हाँ, और तोटा मतलब होता है जैसे कृष्ण कहाँ रहते हैं? श्री वृंदावन धाम में। कृष्ण तो वृंदावन धाम रहते ना, वृंदावन कैसे है? बोले वृंदावन अद्भुत वृंदावन, श्री वृंदा देवी पौर्णमासी वृंदा देवी सुंदर वृंदावन धाम को बनाती है। अभी जैसे हम देख रहे हैं ना, हमारे आंखों के ऊपर माया की पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वृंदावन तो चिन्मय भूमि जहाँ पर सुंदर सुंदर। इसलिए रासलीला की प्रथम में सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? बोले भगवान अपि तारा बोलो सरद उत्फुल्ल मल्लिका
विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम् उपाश्रिता। बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका है, इसलिए कहते जब भगवान कृष्ण रास रचाते हैं एक साथ में छह ऋतु एक साथ में वहां प्रकट हो जाता है। भगवान की सेवा करने के लिए छह ऋतु वहां पर सब के सब कृष्ण सेवा के लिए प्रकट हो जाते हैं। कहते हमको पता है केवल एक वृक्ष में एक फूल मिलता, लेकिन वृंदा देवी वहां पर क्या करती हैं, एक वृक्ष में जूई चमेली बेली है, कहते कि सब एक वृक्ष में सब मिल जाता है। हमें पता केवल चीकू वृक्ष में चीकू मिलेगा, आम वृक्ष में आम मिलेगा, लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं एक वृक्ष में आपको क्या मिलेगा, लीची भी मिल जाएगी, एक वृक्ष में आम भी मिल जाएगी, एक वृक्ष केले भी मिल जाएगी, एक वृक्ष में पपीता अंगूर, एक वृक्ष में सब फल एक वृक्ष में ही प्राप्त हो जाएगी, एक वृक्ष में सारे मिल जाएगी। इसलिए कहते तोटा गोपीनाथ मतलब होता है जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में सुंदर सुंदर फल फूल से लदे हुए श्री वृंदावन धाम जैसे है। कहते ये अभिन्न गुप्त वृंदावन रूप में श्री ये पुरी है, यहाँ पर भी गोपीनाथ जी जैसे वृंदावन में रहते हैं, तोटा मतलब जहाँ सुंदर बेली चमेली फूल खिला हुआ हो, और उसी को अंदर में कौन रह रहे हैं, श्री ये गोपीनाथ जी उसके अंदर में रह रहे हैं, इसलिए ये स्थान का नाम पड़ गया तोटा गोपीनाथ, ये स्थान का नाम पड़ गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब उन्होंने अंतर ध्यान हुए, महाप्रभु जब ये संसार छोड़कर गए, कहते एक साथ में महाप्रभु दो जगह पर श्री चैतन्य महाप्रभु दिखाई पड़े। कितने जगह पर? दो जगह। तो बोले कहां पर? बोले एक तोटा गोपीनाथ में और एक श्री जगन्नाथ मंदिर में। महाप्रभु भक्तों के साथ में यहीं पर उन्होंने निताई गौर प्रेमानंदे हरि वो, यहीं पर महाप्रभु भक्तों के साथ में हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
प्रकृति। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु यही भर भक्तों के साथ में कीर्तन करते करते हठात तो उन्होंने अंदर में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? ये मंदिर को अंदर में प्रवेश किया और मंदिर दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा खोले ना, देखा महाप्रभु है नहीं, महाप्रभु इनके अंदर में समा गए। क्योंकि महाप्रभु कृष्ण और तोटा का बिना तो कृष्ण है। जैसे भगवान राम रामलीला देखे हो, कौन कौन रामलीला देखे? भगवान कहीं से गए? ठाकुर जी सरज नदी में नहा रहे थे, एक तरफ में स्नान कर रहे थे, दूसरी तरफ में गोलक संकेत धाम से रथ आया। जैसे भगवान राम पूरा अयोध्या वासियों को लेकर उन्होंने धाम में गए। जैसे कृष्ण हमारे कन्हैया उन्होंने कैसे गए? वो भी सारे ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने ठाकुर जी ललिता विशाखा सखियों को लेकर गए। क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं, ठाकुर कभी मरते नहीं। उसी तरह ठाकुर जी ये ठाकुर के शरीर में ही समा गए। ठाकुर जी उनको शरीर में एक चिन्ह है, लेकिन अगर सवेरे सवेरे 5 बजे आओगे ना, ठाकुर जी को जो अभिषेक कराते हैं, जब वो कपड़े को खोलते हैं, कपड़े को आप देखोगे, महाप्रभु जहां पर समाए गए वहां पर महाप्रभु का कपड़ा का चिन्ह था। महाप्रभु इनके जंघे में, इनके जंघे में वो चिन्ह है महाप्रभु जिसको द्वारा समाए, वो चिन्ह अभी भी है। और श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में महाप्रभु भक्तों के साथ में कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते महाप्रभु हटा तो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को अंदर में प्रवेश किया। प्रवेश करते हुए वहां भी दरवाजा बंद हो गया और दरवाजा खोल कर देखा चैतन्य महाप्रभु है नहीं। क्योंकि महाप्रभु भगवान है, इसलिए भगवान अपना भगवान में ही लीन हो गए। इसलिए ये जो स्थली है ये बहुत अच्छा स्थली है हमारी भक्ति गौड़ीय संप्रदाय के लिए। ये ठाकुर, ये विशेष ठाकुर जी, ये ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु, ये ठाकुर को किसी ने नहीं बनाया, ये ठाकुर को किसी ने नहीं बनाया। और पृथ्वी में केवल एक ठाकुर देखोगे, ठाकुर जी जो बैठे हुए देखोगे ना, पृथ्वी में एक ठाकुर देखोगे। कहीं देखा ठाकुर को बैठते हुए कभी? देखे हो? नहीं देखा। यहीं पर देखोगे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। अभी अभी मंदिर खोलने का समय हो गया, यहाँ पर कोई फोटो नहीं लेना, ठीक है? ठाकुर जी कोई फोटो लेने का यहाँ पर मना हुआ है। ठाकुर को दर्शन करोगे राधा और श्री, उनको बाम तरफ में देखोगे श्री ललिता सखी देखोगे, बाम तरफ में देखोगे और डान तरफ में श्री राधा रानी। कहीं भी गोपीनाथ मंदिर में देखोगे नहीं, हर समय राधा रानी कृष्ण की बाम पास में खड़ी रहती है। कहाँ खड़ी रहती है? लेकिन केवल एक गोपीनाथ मंदिर, कहीं भी देखोगे राधा रानी को बाम पास में नहीं देखोगे, राधा रानी को डान पास में। बोले क्यों? बोले राधा रानी की एक छोटी बहन थी जिसका नाम थी अनंग मंजरी। क्या नाम थी? अनंग। अभी देखना कभी कभी जो दामाद है ना, अपना पत्नी से भी साली को बहुत प्रेम करते हैं, करते थे कि नहीं? यहाँ पर कोई है जिसको दामाद क्या करता है? अपना पत्नी से कभी साली को जाता। अभी अनंग मंजरी ने बहुत उन्होंने सेवा की। किसके सेवा की उन्होंने? किसको सेवा की? कृष्ण की बहुत सेवा की, राधा रानी की बहुत सेवा की, राधा रानी की छोटी बहन। एक दिन राधा रानी खुश हो गए, बोले बताओ तुमको क्या चाहिए मन में? बोले मेरे को कभी कभी कृष्ण का बाम पार्श्व में तू खड़ी रहती है, कभी कभी मेरे को भी तो कोई स्थान दे दिया करो, मैं भी कभी चाहती हूँ कृष्ण की बाम पार्श्व में भी खड़ी हूँ। बोले ठीक है, मैं जब कलयुग में गोपीनाथ बन करके आऊंगा, गोपीनाथ बन करके ठाकुर जी आएंगे ना, मैं अपना स्थान तुम्हें दे दूंगा, अपना स्थान तुम्हें दे दूंगा। तुम क्या करना? कृष्ण के बाम पार्श्व तुम खड़े हो जाना और कृष्ण के दाम पार्श्व में मैं खड़ी हो जाऊंगी। इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु है। इन्होंने श्री कृष्ण के डान पार्श्व में यहाँ पर राधा रानी को दर्शन करोगे। बोले श्री तोटा गोपीनाथ की, बोले श्री गदाधर पंडित की, सपरिकर गौर हरि की। देखो कल कल आप लोगों ने किंचरा गोपीनाथ दर्शन किया कि नहीं? कौन कौन किया? हाथ उठाओ। देखो देखो आप कितने, कितना बढ़िया ठाकुर दर्शन किया है। ठाकुर जी ठाकुर को बनाया, ये ठाकुर कभी देखे हो? ठाकुर जी को भगवान भक्त प्रकट करते हैं, लेकिन भगवान भगवान को बनाया ये दुनिया में कहीं नहीं। और जो खीरचरा गोपीनाथ दर्शन किया था, रामचंद्र अपना तीर धनुष थे, तीर से जब सीता जी की इच्छा हुई, प्रभु आप द्वापर युग में आपका रूप कैसे होगा, तब भगवान ने क्या किया? अपना तीर से उन्होंने शिला के ऊपर में श्री ठाकुर जी को बनाया। वो ठाकुर का नाम क्या था? खीरचरा गोपीनाथ। और भक्त भक्त के लिए उन्होंने चोरी किए, पहले उनका नाम था गोपीनाथ, जब उन्होंने चोरी किया उनका क्या नाम पड़ गया? खीर चोरा गोपीनाथ। अगर किसको चोर बोल दो ना, डंडे लेकर मारने दौड़ेंगे। लेकिन ठाकुर को सब चोर चोर कह रहे हैं, ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे हैं।
ठाकुर जी चुपचाप सुन रहे हैं, बोले क्यों? बोले हाँ चोरी तो किया, किसके लिए चोरी किया? मैं भक्त के लिए चोरी किया, इसलिए भक्त के लिए करते हैं, इसलिए भगवान भक्त वत्सल भगवान है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले श्री टोटा गोपीनाथ की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय। गौर।